और एक बार फिर आपको बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं जयपुर में, जहां पर आपको बता दें कि सुभाष बहरिया कुछ ही देर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। लगातार तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर देखिए तमाम बीजेपी के दिग्गज जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। सतीश पुनिया और साथ ही सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर वहां पर मौजूद हैं। राजेंद्र राठौर की बड़ी भूमिका मानी जाती है सुभाष बहरिया की घर वापसी के लिए। पूर्व सांसद सुभाष बहरिया जो कि 3 बार सीकर से सांसद रहे, इसके साथ साथ अटल सरकार में मंत्री भी रहे, शेखावटी का दिग्गज जात चेहरा। और बीजेपी का दावा यही कि सुभाष बहरिया के पार्टी ज्वाइन करने से सीकर और शेखावटी में उन्हें मजबूती मिलेगी। यहाँ पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है और लगातार महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या कुछ कहते हैं सुभाष बहरिया और उसके साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता। अगर राजनीतिक इस खबर के आप समझे तो सीकर में बीजेपी कमजोर है और बहरिया के जरिए बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर पार्टी के नेता कर रहे हैं। हालांकि सुभाष बहरिया निर्दलीय में चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस में भी उन्होंने किस्मत आजमाई लेकिन 2019 में वो हार गए। पायलट की अहम भूमिका मानी जाती है सुभाष बहरिया को कांग्रेस ज्वाइन कराने में, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक भविष्य पर यहाँ पर पायलट का चल रहा है और उसी के बाद सुभाष बहरिया का घर वापसी करना, बीजेपी ज्वाइन करना कई मायने में खास हो जाता है। सतीश पुनिया को आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौर को आप देख सकते हैं, सीपी जोशी भी मौजूद हैं, प्रभारी अरुण सिंह भी 1:30 बजे ही पहुंच चुके थे बीजेपी कार्यालय में और एक बड़ा इवेंट के तौर पर इसे यहां पर बनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। दिग्गज आज चेहरा रहे हैं सुभाष बहरिया और उन्हें जब टिकट नहीं मिला था तो फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी 2018 के चुनाव से पहले और एक बार फिर वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और देखिए घर वापसी उसके मायने क्या और क्या उनका राजनीतिक करियर रहा है ये भी लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। पहला चुनाव सीकर में लड़ा था और 1996 में लोकसभा का चुनाव हालांकि वो हारे थे, इसके साथ साथ 1998 में पहली बार वो सांसद बने, 3 बार सीकर से सांसद रहे, 1999 सीकर से लगातार दूसरी बार सांसद बने और 99 से 2004 तक अटल सरकार में मंत्री भी रहे, यानी कि कैबिनेट का उन्हें अनुभव। 2004 में लगातार तीसरी बार सीकर से सांसद रहे, 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार खंडेला से हालांकि वो हार गए, 2013 में लक्ष्मणगढ़ से टोटासरा से चुनाव हारे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई साल उन्हें हो गए हैं जीत का स्वाद उन्होंने चखा नहीं है। 2014 में भी चुनाव में वो हारे थे और बहरिया बागी होकर सीकर से चुनाव लड़े लेकिन हारे और 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में चले गए थे पायलट के कहने पर। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा लेकिन वो हार गए। सुभाष बहरिया के समर्थन में देखिए नारेबाजी भी हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर बैठे हुए हैं और सीपी जोशी और अरुण सिंह उन्हें आज पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। सीकर एक ऐसा इलाका है जहां पर बीजेपी कमजोर रही है और उसे उम्मीद है कि बहरिया के जरिए उसे मजबूती मिलेगी, क्योंकि खबर यह भी कि किसान नाराज हैं और उस वर्ग को खुश करने के लिए भी बहरिया की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर मानी जा सकती है। सीपी जोशी भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, सुभाष बहरिया जो कि पूर्व सांसद रहे और कैबिनेट मंत्री रहे, आज उनकी 5 साल बाद एक बार फिर घर वापसी होने जा रही है। 2018 में चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। आप एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथ अपने जो तमाम समर्थक हैं उनके साथ। राजेंद्र राठौर और अरुण सिंह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके तमाम समर्थक हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, आज वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और बीजेपी की यहाँ पर मजबूती मिलेगी। राजेंद्र राठौर का ये तक दावा कि अभी शुरुआत है, समझदार लोग माला बदल कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें सुभाष बहरिया की शुरुआत कर रहे हैं।
उनका कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। राजेंद्र राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके नाने मित्र रहे सुभाष भैरव को पुराना मित्र बताते हुए घर वापसी वो करा रहे हैं। कुछ कह रहे सीपी जोशी उनको सुनते हैं। कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, यहाँ उपस्थित माननीय बैसला जी, भजनलाल जी, और जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने दायित्व का निर्वहन किया और सांसद के रूप में एक अपनी पहचान बनाई और किसान नेता के रूप में प्रदेश और देश में जिनकी पहचान है, ऐसे सुभाष भैरिया जी भारतीय जनता पार्टी की आज भूमिका ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अच्छी नीतियों को लेकर उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और ऐसे कई अधिकारी वर्ग भी हैं जिनको लगता है कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का राज आया है, आजाद राजस्थान के बाद कोई पहली ऐसी सरकार आई होगी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिस सरकार ने तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया, उस कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में हराकर 2023 में कमल खिलाने को लेकर इस संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने में रामदेव सिंह जी खेरवा जो आईएएस अधिकारी हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। पीआर मीणा जी आईएएस अधिकारी, जिनका भी मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जेल मीणा जी जो डीजीपी रहे हैं, एक बार मीणा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सीआर मीणा जी जो कमिश्नर रहे हैं, सब कमिश्नर, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर नरसिंह किरार जी जो अच्छे छात्र नेता रहे हैं, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हेमंत शर्मा जी निदेशक स्कूली शिक्षा गंगापुर सिटी, आज ये भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले राजस्थान में और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। ये भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि संकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, कि बिना शर्त हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी की 2024 में सरकार बने दिल्ली में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैं सभी साथियों का इस भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन सभी साथियों का एक बार मैं माननीय सुभाष भैरिया जी जो कई बार अनेक मंचों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मैं इनका भी और बाकी सभी हमारे रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर किरार जी, मीणा जी और हमारे सभी खेरवा जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं
आगे की कार्रवाई के लिए वासुदेव जी को कहेगा कि आगे की कार्रवाई जारी करें और सबको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज छह महान बहुत गणमान्य व्यक्तियों की ध्वनि के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्माननीय प्रदेश प्रभारी से कि इनको अपना बीजेपी दुपट्टा पहना करके बीजेपी के अंदर शामिल करने का विधि और साथी सीपी जोशी ने बीजेपी का पट्टा पहनाकर सुभाष महरिया को बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई सदस्यता दिलाई। तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता एक मंच पर आपको नजर आ रहे हैं, उनके समर्थकों को भी आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है जिसमें कई आईएएस अधिकारी भी हैं पूर्व और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी। इससे पहले आपने सुना सीपी जोशी को उनका कहना है जिस तरह का अनुभव रहा है सुभाष महरिया का उससे बीजेपी को जरूर आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी। सीधी तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय की सुभाष महरिया के समर्थन में हो रही है और बड़ी खबर इस वक्त यही कि पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने घर वापसी करते हुए बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें सदस्यता बीजेपी की दिलाई है। न सिर्फ उप सांसद सुभाष महरिया ने आज बीजेपी ज्वाइन की है बल्कि कई ऐसे पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। यहां से संदेश देने की कोशिश बीजेपी की बड़े दिग्गज अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन जो हवा का रुख है वो बीजेपी की तरफ है और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है चुनावी साल, लिहाजा ये खबरें अब आम होने वाली हैं और इसकी शुरुआत सुभाष महरिया ने कर दी है इस तरीके का दावा बीजेपी करती हुई। सीकर से कई बार के सांसद रहे हैं सुभाष महरिया, 3 बार सांसद रहे सीकर से, अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे और जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। 2018 में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी चुनाव से पहले। 2019 में हालांकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जरूर लड़ा लेकिन वो हार गए और एक बार फिर 5 साल बाद उनकी घर वापसी हो रही है। पायलट के समर्थक के तौर पर सुभाष महरिया को जाना जाता है क्योंकि पायलट की भूमिका रही कांग्रेस ज्वाइन कराने में सुभाष महरिया की, लेकिन अब जिस तरह से पायलट को लेकर उत्तम गति कांग्रेस में मची हुई है उसके बाद यहां पर वापसी उनकी सुनते हैं प्रदेश में लोकप्रिय नेतृत्व, एक देश के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब किसान इन सबका कल्याण हो रहा है और लगातार चाहे गरीब हो चाहे शोषित हो चाहे वंचित हो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से लोग अलग अलग पार्टियों से भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके पार्टी को ज्वाइन करना, पार्टी का आधार बढ़ाना, ये पूरे देश भर में इस प्रकार के आपने ज्वाइनिंग के कार्यक्रम देखे होंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है और भ्रष्टाचार चरम पे है,
राजस्थान के लोग त्रस्त हैं कांग्रेस से छोड़कर के प्रमुख नेता लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब सबका मन एक ही संकल्प है। पीएम नरेंद्र मोदी